आ जाओ अक्षत भाई, हाँ आ जाओ। ये बाल कहाँ गए तुम्हारे? हाँ चेक, जिसको बोलते हैं सर, ध्यान ये दादी को। सर, हेलो, गुड इवनिंग। पहले तो नितिन सर को गुड इवनिंग। जी हाँ सर, पहले तो नितिन सर को मैं थैंक यू बोलूंगा। आज सर मैं अगर SRCC में हूँ, नितिन सर ने बोला था उसी वजह से हूँ। मीरा सर की बात तो मैं मानता नहीं ज्यादा, तो अरे हमारी रोस्टिंग कर रहा है ये नलायक, हमारी रोस्टिंग अच्छा कर रहा है। अभी सर, बताता बिफोर रोस्टिंग सर, हूँ। हाँ पहले तो सर आप मेरी CA छुड़वा, सर मैं परेशान हो गया। सीए छुड़वाऊं तुम्हारी, ये हाँ देखो सर, सर CA छुड़वा दो सर, ये प्लीज बदनाम सर। करवाएगा, मैं मार्केट में बता रहा हूँ सर, नहीं एमबीए नहीं करवाई। सर, अक्षत भाई एक बात बोलूँ, मुझे ध्यान आ गया आप कौन है। तो भाई हाँ ऐसा है कि ना, जब एक बंदा जीनियस होता है ना, मेहनती होता है मतलब, तो मुझे हाँ लगता है उससे ना कुछ छोड़ना नहीं चाहिए भाई। देखना मजे मजे में हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा भाई, मजे ईमानदारी की बात मजे कर रहा हूँ। सर CA मजे मजे में हो जी जाती है। सर, मैं पता है जीनियस ऊपर मैं मतलब नंबर नहीं ला पाता, मतलब मार्क्स वार्क्स लाने में पता नहीं कुछ तो हो जाता है। ऐसा है कि मैं पढ़ लूंगा, मेरे को सब कुछ याद भी हो जाएगा। मैं जैसे आज सुबह सर का वो पढ़ रहा था, SM का सेकंड चैप्टर पढ़ रहा था, तो मतलब मैं जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहा हूँ ना, मैं वो सब्जेक्ट उठा रहा हूँ जो मुझे पसंद आए। जैसे मैंने थोड़ा FM उठाया था पहले, बट फिर बीच में मेरे को कोविड हो गया तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने अभी SM से शुरुआत की, बीच में मैं अकाउंट्स भी पढ़ रहा था, तो अकाउंट्स हो गया था मेरा ऑलमोस्ट। तो सर मुझे पढ़ने में तो मजा आता है, पर मार्क्स पता नहीं सर, वो पेपर देने में मजा नहीं आता आपके क्या प्लान्स हैं सर। सर? फाइनेंस, मैं बताता बिल्कुल हूँ आपके क्या फाइनेंस। प्लान। ये सर ये बनेगा ट्रेडर, ये सुबह उठ के स्टॉक मार्केट खोलेगा 9 बजे, ये पीछे स्कैम 92 की वो चलाता है टीम, डन डन डन, और शुरू हो जाता है नलायक, और कुछ नहीं करेगा। क्यों अक्षत? सर ये देखो सर, सर सामने निफ्टी का चार्ट देखो खुला ये देखो सर, देखो मैं कहता हूँ सर, ये हुआ बनेगा हर्षद मेहता सर। ये इंट्राडे खेलेगा मोटा। हाँ हाँ ऐसा है अक्षत भाई, जी, देखो मैं तो तुम्हें बहुत हाँ जानता हूँ, तो मैं तो ये बोलूंगा भाई, देखो मेरा नितिन सर से अलग विचार है इस मामले में। नितिन सर ना इंटेलिजेंट हाँ बच्चों जी, में से, तो नितिन सर से पढ़ने वाली सलाह लोगे तो पढ़ने वाली सलाह ही देंगे, मुझसे पूछो, मैं नालायक बच्चों में से हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि हाँ बिल्कुल सही राह पे हो तुम जो कर रहे जी, हो, और मैं तुम्हें अक्षत तुम्हें स्पेसिफिकली हाँ मतलब एकदम छोटे भाई की तरह मानते हुए मैं सीधे बोलूँ भाई, आप CFA पे ध्यान दो, और अगर आप CA नहीं भी करते हो तो मुझे कोई गम नहीं होगा। जी, तुम्हारी सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, मैं इतनी ब्लंटली यस कभी किसी को सलाह नहीं देता क्योंकि हाँ हमें पता नहीं होता उसके बारे में, तो तुम्हारे से ऐसे बातचीत होती रहती है। तो आप CFA जैसे कोर्स पे ध्यान दें, आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा प्रोफेशनली भी, और जो आपकी ये प्रॉब्लम है ना कि एग्जाम देने का मन नहीं हाँ करता, तो उसमें ना आपको ना मन भी करेगा शायद वो एग्जाम देने का, जिस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन जब तुमसे पूछेंगे, जब वो तुम्हारी ईगो पे लगेगा ना, जैसे यंग शेल्डन देखा है किसी ने हाँ अमेज़न प्राइम पे, जब तुम्हारी ईगो पे वो चोट सर, पहुंचाएंगे। मैं वही हूँ ना शेल्डन सर, मेरे को हाँ क्लास के बच्चे शेल्डन ही बोलते हैं। मैं कहता हूँ देख लो, अब मुझे तो नहीं पता था लेकिन मैंने वैसे तुम्हें सही कंपेयर कर दिया, तो पॉइंट ये है जब तुम्हारी ईगो पे बेटा चोट लगेगी ना थोड़ी सी, तब तुम्हें अकल आएगी। और हाँ ये एक नितिन सर की ये बात जरूर ध्यान रखना, जो भी सर ने बात बोली कि वेरी गुड आप हार्ड वर्किंग, और कोई मैं इस बात को नहीं मानता, कोई कोई जीनियस होता है हार्ड वर्किंग होता है, उसे पता होता है कि मैंने क्या करना है और उस तरफ इंटरेस्ट लेके हाँ होता है। वेरी गुड आप हार्ड वर्किंग हो, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, यस आप सर, उसको पूरा अपने इस हार्ड वर्क हाँ जी को सर, वो तो यूटिलाइज करें, पूरा उस चीज को, आपके पास एक स्किल है, पता है ये एक स्किल है कि आप एक चीज पे फोकस होकर बैठ यस सर, सकते हो, आप एक चीज को समझ सकते हो जल्दी से, आप एक चीज को अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास अप्लाई करने का स्किल है मैंने देखा है, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लेते हो ना अक्षत, आप उसको एक्चुअली में प्रोफेशनली परस्यू करो, राइट। और कोई ना कोई कोर्स जैसे CFA है या कोई भी, और आपको और अच्छा कुछ फाइनेंस में मिलता है तो वो जरूर करो, खूब आगे जाना भी तो खूब मेहनत करनी है, ठीक है ना। यस सर, और बाकी दो चार वीडियो भैया हाँ तुम्हारे साथ बैठ के बनानी पड़ेंगे, तुमसे क्लासेस लेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, कि कैसे अच्छा कैसे जो है वो स्टॉक का एनालिसिस सर होता है ना, बिल्कुल सर, आते हैं। हाँ जी, चलो जी तो सर मैं बहुत फाइनल मजा डन आया। करूँ, मम्मी को बोल दो सर सुबह जाके कि मैं CA छोड़ रहा हूँ। अरे यार भाई तुम तो बारबेक्यू ये ना मशीन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बुलवा के ना, वाले सर सर, मैं पता है सर, आपकी जो पिछली बार हुआ था ना, तो वो मैंने मम्मी को भेजा, तो मम्मी आती है, मम्मी बोलती है क्या तू CA छोड़ रहा है? मैंने बोला नहीं छोड़ रहा, वो तो कि मतलब वो तो सर ने ऐसा बोला था कि शायद छोड़ेगा, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि अभी नहीं छोड़ रहा। फिर मम्मी बोलती कि छोड़ेगा, सारे रिश्तेदार गाली देंगे तेरे को, बोलेंगे कि CA छोड़ दी बीच में कि बेवकूफ ने। तो अरे सर वही है कि वो तो फिर उन्होंने बाद में बोला छोड़नी होगी तो छोड़ दियो, बट ये है कि मेरे को ना सर वो लॉ अकाउंट्स और कॉस्टिंग का ना प्रेशर थोड़ा सा लग रहा है कि ये सब मेरे को करना नहीं है लाइफ में, तो क्यों पढ़ लूँ मैं। हाँ हाँ तो फिर टेंशन क्यों ले रहे, मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई नितिन सर को पकड़ लो, फाइनेंस में तुमने आगे बढ़ना है, तुम्हारे गुरु नितिन गुरु सर हैं, वहीं शिफ्ट हो जाओ, हाँ मेरी तो तुम वैसे ही बात नहीं मानते ना, लाइक शुरू में भूल दिया था तुमने। चलो ठीक है, नहीं सर, वो तो मजाक कर रहा था सर अरे जी बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो जी यहीं से समाप्त सर, करते हैं आज के सीरियल, धन्यवाद सर आपका। बहुत मजा आया, 100th हाँ जी, एपिसोड था जिससे बात हो पाई, हाँ बड़ा अच्छा। अक्षत UPI भेजो जल्दी से अपना, जिससे बात हो पाई बहुत अच्छा लगा, जिससे सर बात मैं नहीं आपको हो पाई WhatsApp कर देता हूँ। हाँ व्हाट्सएप कर।